हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा, आरआरबी पीओ रिज़ल्ट 2021 जो प्रीलिम्स जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका जो स्कोर कार्ड है वो आउट हो चुका है। जैसा कि आपने जो है इससे पहले वीडियो देख ही लिया होगा, जो लिंक उसकी जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अभी जाके अगर आपने चेक नहीं किया है तो चेक कर लीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे जो दो न्यू नोटिफिकेशन आपके स्कोर कार्ड के साथ आए हैं वो क्या हैं, इसके अलावा जो कट ऑफ गई है वो कितनी कितनी गई है, बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है। मेरा जो स्कोर कार्ड है वो आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे, कितने मेरे जो है नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में, देखिए ये लिखा हुआ है नेक्स्ट वीडियो ऑन कट ऑफ, यानी कि जो ऑल स्टेट्स जितनी भी जो आपके स्टेट्स में एग्ज़ाम हुआ है तो उसका जो जो एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेड तो नहीं, जो आपका जो अभी कट ऑफ बना है, जो ऑल ओवरऑल जो कट ऑफ बना है अभी, मतलब एससी को लेके, एसटी को लेके, जनरल को लेके, ओबीसी को लेकर, है ना, पूरा स्टेट वाइज मतलब कितना कितना कट ऑफ गया है वो पूरा डिटेल्ड वीडियो हम इसमें लाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम ये भी बताने वाले हैं क्लर्क का जो एग्ज़ाम, क्लर्क का रिजल्ट कब आएगा, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा स्कोर कार्ड है, यूँ जूम कर देता हूँ मैं, ये देखिए ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने हाइड कर दिया है। ये डेट देख लीजिए, 1/8/2021 का एग्ज़ाम हुआ था, कैटेगरी MP से मैंने भरा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, देखिए मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, रीजनिंग में 40 का होता आपको, मतलब ये तो बताना नहीं, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ था 7.50, मेरे आए थे 26.50, ठीक है। मैथ्स का देखिए 6 और मेरे आए थे 22, और मैंने 22 ही जो है अटेम्प्ट किए थे मैथ में, और वही मेरे जो है नंबर आए हैं मैथ्स में, ठीक है। रीजनिंग में मुझे लगता है मेरे नंबर कहीं ना कहीं जो है वो बढ़े हुए हैं, क्योंकि ये आपको 48 दिख रहा है ना, 48.50, देखिए कट ऑफ बिल्कुल, मतलब कट ऑफ से 0.75 मेरे ज़्यादा हैं। जो मैंने अटेम्प्ट किए थे वो किए थे मैंने 43, यहाँ तक मेरे को याद है बिल्कुल ढंग से, मैंने 43 अटेम्प्ट किए थे। और आप देख सकते हैं मेरे मार्क्स जो हैं बढ़कर लगभग 5.5 जो नंबर हैं मेरे बढ़े हुए हैं यहाँ पर। तो लगभग मैंने जितने भी स्टूडेंट्स का देखा है उनके किसी किसी के मतलब मैक्सिमम 7 नंबर तक बढ़े हैं, एक नंबर से 7 नंबर तक मैक्सिमम बढ़े, मतलब पॉइंटों में भी नंबर बढ़े, मतलब अगर मैक्सिमम देखें तो 7 नंबर तक बढ़े हुए हैं। 7 से ऊपर मैंने अभी तक देखे नहीं किसी भी स्टूडेंट्स के, मैक्सिमम जो है 7 तक बढ़े हैं। अगर आपके 7 से ज़्यादा बढ़े तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा मेरा स्कोर कार्ड मतलब MP का, ठीक है। अगर ये तो SC का कट ऑफ रहा, अब मैं जनरल की बात करूँ MP से कितना गया है, तो जनरल का जो गया है अपना 54.25, ठीक है। और अगर मैं हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर से काफ़ी जो कट ऑफ है वो आई गया है, जैसे कि अगर हम देखें मेरी कैटेगरी में गया था लास्ट ईयर 37.50, और आप देखिए बिल्कुल मतलब 47 पॉइंट, मतलब 10-10 नंबर का यहाँ पर देखने को मिला है। और अगर हम बात करें जनरल की, जनरल का गया था 44.25, इस बार ये देखिए 44.25, यानी कि सीधे सीधे 10 नंबर आपके बढ़े हुए हैं, मतलब कट ऑफ काफ़ी हाई गया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम जो दो नोटिफिकेशन आए थे उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसके लिए हमको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो डाउनलोड नहीं हो रहे थे, तो हम वेबसाइट पर चलते हैं, ठीक है। ये भाई रुक जाओ, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैं वेबसाइट मैंने खोल ली है। अब यहाँ पर आप RRB के सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको कुछ ये आज ही के डेट में नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ किया गया, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिए ये तीन आपको दिख रहे होंगे। यहाँ तो आप अपना स्कोर्स देख सकते हैं, जाकर अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये देखिए ये एक नोटिफिकेशन है, एक ये नोटिफिकेशन, तो चलिए हम एक वन बाई वन कर लेते हैं। सबसे पहले नीचे वाला खोल लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ मैं पढ़ के बताता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट स्कोर्स, यानी जो आपके मार्क्स आए हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया कि आपको, मैं पूरा पढ़ लिया है, मैं आपको मोटा मोटा बनाता हूँ, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें साफ साफ ये दिखाया गया कि मतलब आपको जो नंबर मिले हुए हैं वो कैसे आपको कैलकुलेट करना है, किस बेसिस पर नंबर बनाए गए हैं आपके, ये सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोसेस फॉर अराइविंग एट टोटल स्कोर, तो स्कोर ऑब्टेंड, रीजनिंग, क्वांटिटी, मतलब टोटल बताया गया कि किस तरीके से आपका जो टोटल है वो किया गया है, ठीक है ना। तो ये था, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा था उसको देख लेते हैं ऊपर वाले को। इसमें आपको दो नोटिफिकेशन मिलेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो मेन एग्ज़ाम है, ये देखिए मेन एग्ज़ाम की डेट दे रखी है 25/9/2021, जो कि एक्सपेक्टेड है,
यानी चेंज भी हो सकती है। ठीक है, इसमें यहाँ पर बोला गया है कि जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हैं उनको देखिए, ये वाला 3 नंबर जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि कॉल लेटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वॉज नॉट कलेक्टेड, यानी कि आपका जो प्री का जो एडमिट कार्ड था वो आपका जो है कलेक्ट नहीं किया गया था। ठीक है, जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हुए हैं इसमें उनको जो है वो आपका जो मेन का एडमिट कार्ड आएगा जब, तो उसको यानी कि मेंस का जो एडमिट कार्ड रहेगा और जो प्री का जो एडमिट कार्ड रहेगा आपको उसके साथ में उसको ले जाना पड़ेगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वो बोलेंगे वो ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें बाकी कुछ मैंने पूरा पढ़ दिया, इसमें कुछ नहीं है, बस यही एक था कि आपको ये 3 नंबर पॉइंट पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट पेज है इसका, वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, मतलब कुछ इसमें बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, बस यहाँ पर ये लिखा था कि आपको जो प्री में जो कॉल लेटर मिला था उसको आप संभाल के रखिएगा, वो आपको मेंस में ले जाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपने जो वापस चलते हैं, तो हम यहाँ पर स्क्रीन पर वापस आ गए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इसमें सब कुछ बता दिया है, स्कोर कार्ड आउट हो चुका है, 2 न्यू नोटिफिकेशन, हाई कट ऑफ, खुशखबरी, ठीक है, मेरे कितने मार्क्स बढ़े। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, उसमें हमने कट ऑफ बनाना स्टार्ट कर दिया है 1 से 2 दिन के अंदर, या तो आपको जो है कल यानी कि ट्यूसडे को या फिर वेडनेसडे को आपको जो है कट ऑफ इसका देखने को मिल जाएगा, ऑल स्टेट वाइज, ऑल कैटेगरी वाइज, बिल्कुल एक्यूरेट हमने कट ऑफ लेने की कोशिश की है, बिल्कुल मतलब स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वहाँ से, तो आपको बिल्कुल जो है डाटा बिल्कुल सही प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर RRB क्लर्क की बात करें, अगर रिजल्ट की, तो विद इन अ वीक यानी कि आपको 5 तारीख से पहले, 5 सितंबर से पहले वो रिजल्ट देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 सितंबर को लगा हुआ है। ठीक है ना, तो यार ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने ये इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।